कुकिंग जंक्शन पे आपका वेलकम। आज मैं आंवला के अचार बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इन दिनों बाज़ार में काफ़ी फ्रेश ताज़ा आंवला मिल रहा है और ये आंवला अभी मिल रहा है, सालों भर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्यों ना इसे कुछ ऐसा बनाएं जिसे बनाकर आप रख दें और साल भर इसे इंजॉय कर सकते हैं, इसे खा सकते हैं। आंवला को किसी भी शक्ल में खाना चाहिए, जैसे मुरब्बा बनाकर या फिर अचार बनाकर। तो चलिए इसका अचार बना लेते हैं और इसे ढक जार में बंद करके 1 साल तक रखेंगे, ख़राब नहीं होगा। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है और साथ ही ये बाल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे बाल लंबा, काला और घना होता है, स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है और पेट की परेशानी जो होती है, पेट की समस्या, तो उसे भी ठीक करता है। और साथ ही आँख की रोशनी के लिए भी आंवला काफ़ी अच्छा माना गया है। तो क्यों ना इसे हम अचार बना करके रख दें और साल भर इसे इंजॉय करें। तो यहाँ पे आंवला को हमने साफ से धो लिया है और धोने के बाद इसे किसी कॉटन के कपड़े से हम साफ़ कर लेंगे। इसका जो पानी होगा वो हट जाएगा और सूख जाएगा। और दूसरी तरफ हमने चूल्हे पर पानी चढ़ा दिया है और पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब इसे हम एक एक करके सारे को पोंछते जाएंगे और अलग रखते जाएंगे। आंवला का मुरब्बा भी बना सकते हैं, इसकी कैंडी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने आंवला का मुरब्बे की रेसिपी अपने चैनल पर डाले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे ज़रूर से देखिए। 2 तरीके से बनाया है हमने, एक गुड़ का बनाया है और एक चीनी का बनाया है, और दोनों बड़ा ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से देखिए इसे और इसे बनाने की कोशिश भी कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि आंवला को सारे को हमने पोंछ कर अलग रख लिया है। अब इसे एक कांटे वाली चम्मच से हम इस तरह से होल करेंगे, घुमा घुमा के चारों तरफ करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो रस है वो नमक और तेल मसाला सब अंदर तक चला जाएगा और इसे अच्छा टेस्ट लगेगा। तो इस तरह से हमें होल कर लेना है, या फिर आपके पास कांटे वाली चम्मच नहीं हो तो चाकू की नोक से भी कर सकते हैं और हल्का कट भी लगा सकते हैं। और इसे लगाने के बाद क्या करेंगे कि अब उबलता हुआ पानी है यहाँ पे, इसमें हम डाल देंगे और 15 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे हम बनाएंगे, या फिर मीडियम फ्लेम भी आप कर सकते हैं, मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। उस वक्त तक बनाना है जब तक ये गल नहीं जाता, हाथों से छूने से सॉफ्ट जैसा नहीं होता है, तब तक हमें इसे पकाना है। या फिर कांटे वाली चम्मच से हम चेक करके देख लेंगे, अंदर में अच्छे से आसानी से चला जाता है तो इसका मतलब कि हो चुका है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुका है, अब इसे हम खोल कर देख लेते हैं तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये ऐसा लग रहा है कि पक गया है। तो हम कांटे वाली चम्मच से देख रहे हैं, बड़ी आसानी से चला गया है तो इसका मतलब कि हो गया। अब इसे हम छान कर निकाल लेंगे और यहाँ जो आंवला को उबाला है और उसका पानी है तो उसको क्या करेंगे, फेंकेंगे नहीं। इसे ठंडा करने के बाद जब आप नहाइए तो इससे बालों को धो लीजिए। बालों को धोने से क्या होगा कि आपका बाल जो झड़ना बंद हो जाएगा और काला भी होगा। और यहाँ पे हमने आंवला को छान कर निकाल दिया था और निकालने के बाद इसे धूप दिखा दिया था, लगभग 3 से 4 घंटा धूप दिखाया तो बिल्कुल सूख चुका है। और हरी मिर्च है, इसे भी धूप दिखा दिया था और ये भी पानी इसका सूख चुका है। तो पानी नहीं होना चाहिए, इसे सुखा लेना है। सुखा लीजिएगा जितना अच्छा से, क्या होगा कि आपका अचार ख़राब जल्दी नहीं होगा और सालों साल रहेगा। तो लंबे साइज का हरी मिर्च लिया है, लंबे साइज की हरी मिर्च में क्या होता है, तीखा कम होता है और टेस्ट अच्छा लगता है। आप चाहें तो अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अदरक और लहसुन पसंद नहीं करते हैं तो इसलिए नहीं डाला है। तो इस तरह से बीच से कट कर लिया, कट करने के बाद 1 से 2 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, भूनने से टेस्ट इसका बढ़ जाता है। यहाँ पे भून चुका है, अब इसमें हम एक गहरे बर्तन में आंवला को रखेंगे और ये मिर्च को रखेंगे। आंवला को हमने बीज नहीं निकाला, टुकड़े में कट नहीं किया, साबुत रखा है, ये इस तरह से हमें अच्छा लगता है इसलिए। और यहाँ पे मसाला कुछ ले लेंगे, जैसे पीला सरसों 1 बड़ा चम्मच लिया है, काला सरसों 1 बड़ा चम्मच और छोटे चाय के चम्मच से यहाँ पे मेथी दाना, जीरा और यहाँ पे सौंफ, अजवाइन, इन सारे को हम ले लेंगे और लेने के बाद इसे भून लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 1 मिनट भूनना है, यानी सौंधी से खुशबू आ जानी चाहिए और ये चरचाहट की आवाज़ होनी चाहिए, इस तरह से आने लगेगी चरचाहट की आवाज़, तो इसका मतलब कि ये भून चुका है। अब इसे हम निकालें, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा भूनना है। और भूनने के बाद इसे ठंडा हो जाएगा तो एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर फाइन पाउडर बना लिया, उसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर
और नमक डालेंगे, नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ता है इसलिए 2 चम्मच डाल देंगे, और धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, और डालने के बाद इसे हम आला में मिक्स कर लेंगे। सरसों तेल है उसे गरम कर लेंगे, और गरम करने के बाद सरसों तेल डालेंगे। इस तरह से सरसों तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप एक इसी बर्तन में, गहरे बर्तन में ही, खुले बर्तन में रखिएगा, और इसे कॉटन कपड़ा से आप ढक दीजिए। ढकने के बाद 15 दिन तक आप धूप लगाइएगा तो अचार आपका ख़राब नहीं होगा। उसके 15 दिन के बाद आप किसी जार में, शीशे की जार में रख दीजिएगा, और बीच बीच में आप धूप दिखाते रहेगा। उससे क्या होगा, अचार आपका सालों साल रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और तेल थोड़ा ज़्यादा और डाल देंगे, और अगर इसी तरह से आप बनाइए, बड़ी मज़ेदार अचार बनकर तैयार होता है। हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।